সিপাহীজলা জেলাশাসক অফিসে 39 জন কর্মীকে শোকজ করল জেলাশাসক সিদ্ধার্থ সিদ্ জসওয়াল। সোমবার বিকেল 3টায় সংবাদ মাধ্যমে 39 জন কর্মীকে শোকজ করার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিস্তারিত জানান জেলাশাসক সিদ্ধার্থ সিদ জসওয়াল। আধার বায়োমেট্রিক অ্যাটেন্ডেন্স শনাক্ত করে দেখতে পেলেন জেলাশাসক প্রায় 39 জন কর্মচারী প্রতিনিয়ত সময়ের অনেক পরে অফিসে আসছেন, যার ফলে একসাথে 39 জন কর্মচারীকে কেন দেরিতে আসছেন সেই কারণ দর্শানোর জন্য। তাছাড়া তিনি জানিয়েছেন সরকার যেহেতু কর্মচারীদের বেতন দিচ্ছেন তাই সরকারের সমস্ত নিয়ম নীতিকে মান্যতা দিয়ে যেন কর্মচারীরা অফিসে আসেন, সে বিষয় নিয়ে সংবাদ মাধ্যমে বিস্তারিত আলোচনা করেন জেলাশাসক সিদ্ধার্থ সিদ জসওয়াল। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस में सिपाही जला कुछ लोग लीड प्रेजेंट आता है, मैंने सुना है आपने सुकुच भी दिया है, कितने लोगों को दिया है और क्यों दिया है सर? जी नमस्कार, गवर्नमेंट का जो सिस्टम है ऑफिस टाइमिंग्स है उसके अनुसार जो है गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करता है, गवर्नमेंट आशा करता है कि सभी एम्प्लॉयज वो टाइमिंग फॉलो करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समय हम लोग पब्लिक सर्विस में स्पेंड कर सकें। तो इसी प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पर सभी हमारे जो कर्मचारी गण हैं डीएम ऑफिस में, इसी प्रकार से हमने एसडीएम ऑफिस और वीडियो ऑफिस में भी सबसे यही अपील किया है कि आप लोग टाइम भी आइए और जो ऑफिस टाइमिंग है उसमें आप अपना काम कीजिए और उसके बाद टाइम निकल जाइए। और हमारे यहाँ बायोमेट्रिक सिस्टम आधार इनेबल्ड बायोमेट्रिक सिस्टम से अटेंडेंस लिया जाता है, तो हमने देखा कि शुरुआत में ये जो है लेट ऑफिस का काफ़ी लोग आ रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने आधार इनेबल्ड बायोमेट्रिक सिस्टम के अनुसार जो देखा तो जो ज़्यादा लेट पाए गए तो उनके अगेंस्ट करीब करीब 29-30 लोग ऐसे लोग हैं जिनको हमने शोकॉस दिया है। और शोकॉस का इंटेंशन यही है कि लोग पंक्चुअलिटी को फॉलो करें और जिस काम के लिए गवर्नमेंट ने हम लोगों को इंगेज किया है, जिसके लिए लोगों को सर्विस दिया है, उस काम में हम लोग ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिले, पब्लिक को वेट ना करना पड़े और पब्लिक सर्विस जो और एफिशिएंट हो और इफेक्टिव हो टाइम पर। सर अभी तक कोई जवाब दिया है शोकॉस का? शोकॉस के रिप्लाईज आ रहे हैं और हम लोग रिप्लाई के अनुसार उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, बट इंटेंशन यही है कि अपील के माध्यम से और जो है रिक्वेस्ट के माध्यम से ज्यादा लोगों को टाइम मोटिवेट करके और कुछ ही दिन पहले हम लोगों ने इसी प्रकार से पूरे ऑफिस कॉम्प्लेक्स में सफाई अभियान भी किया था जिसमें हमारे सभी एम्प्लॉयज़ ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया पिछले फ्राइडे को ही, और घर जाने से पहले हम सभी लोगों ने यहाँ पे सफाई किया अपने अपने चैम्बर्स, पंखे, कंप्यूटर और टॉयलेट की भी सफाई करवाई है, बाहर का भी सफाई करवाई है ताकि जो पब्लिक बाहर से आता है उसको कॉन्फिडेंस है कि यहाँ पर जो है सिंसियरली काम होता है। थैंक यू सर।